राधे राधे आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में जाने के जनवरी में लगने वाले साल के पहले पंचक के बारे में। पंचक एक ऐसी अवधि है जिसमें किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। प्रत्येक माह में ऐसे 5 दिन होते हैं जिन्हें पंचक के नाम से जाना जाता है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति को कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना होता है, वरना कई तरह की परेशानियाँ होती हैं। जनवरी में लगने वाला ये पंचक मृत्यु पंचक है। इसमें कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। ऐसे में कोई भी मांगलिक या शुभ काम मृत्यु पंचक के शुरू होने से पहले निपटा लें। आइए जानते हैं साल का पहला मृत्यु पंचक किस दिन से शुरू होगा और उसकी समाप्ति कब होगी, और साथ ही जानेंगे पंचक में कौन कौन सी सावधानियाँ रखना बेहद जरूरी होता है। जानते हैं जनवरी में पंचक कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। पंचांग के अनुसार जनवरी माह में पंचक का आरंभ 13 जनवरी 2024 को शनिवार के दिन रात्रि में 11:35 से हो रहा है। वहीं पंचक का समापन 18 जनवरी 2024 को गुरुवार के दिन प्रातःकाल 3:33 पर होगा। जानते हैं मृत्यु पंचक खतरनाक क्यों माना जाता है। बता दें कि पंचक के आगे का नाम दिन के ऊपर निर्धारित होता है। शनिवार को शुरू होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है। ये अन्य पंचकों से काफ़ी खतरनाक होता है। मान्यता है कि इस पंचक के दौरान व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं अधिक होती हैं। इसके साथ ही दुर्घटना होने का खतरा भी अधिक होता है। मृत्यु पंचक खतरनाक होता है, इसलिए इसमें ये सावधानी जरूर बरतें। शनिवार से शुरू होने वाला पंचक, जिसे मृत्यु पंचक के नाम से जाना जाता है, सबसे खतरनाक और अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि मृत्यु पंचक के दौरान व्यक्ति को दुर्घटनाओं और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में बुरी शक्तियाँ हावी रहती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कष्टकारी परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि मृत्यु पंचक में कुछ खास बातों का ख्याल जरूर रखें। मृत्यु पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की ओर यात्रा ना करें, छत ना डलवाएं, बिस्तर खाट ना बनवाएं। अगर किसी की मृत्यु पंचक में हो जाए तो शव के साथ कुछ या आटे की 5 पुतलियों का भी अंतिम संस्कार करें। मृत्यु पंचक के दौरान इन बातों का भी ख्याल रखें। पंचक के दौरान कोई भी कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह निर्माण आदि करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। माना गया है कि पंचक की अवधि में दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश दक्षिण दिशा में यात्रा करनी भी पड़ती है तो ऐसे में आप यात्रा शुरू करने से पहले कुछ कदम पीछे मुड़ें और फिर इस दिशा में यात्रा शुरू करें। तो पंचक के दौरान इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि आप सुरक्षित और सक्षम रह सकें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आपके काम आएगी और आप हमें इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे ऐसी ही किसी धार्मिक पोस्ट और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है अपना साथ आप हमें अवश्य देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।